अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पुलाव, दाल चने वाला। चने की दाल इसमें हम ऐड करेंगे और साथ चिकन ऐड करेंगे। ये स्पाइसेस हैं, प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट है, साथ ये इमली है। बिरयानी मसाला इसमें ऐड करेंगे, ये पेस्ट है। थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे इसमें हम। ये चने की दाल है जो हमने बॉईल करके रख ली है, और साथ ये यखनी बना के रख ली हमने चिकन की। चिकन को कुछ देर पकाया और इसकी जो यखनी बन गई है वो इसके अंदर हम चावलों में ऐड करेंगे। तो चलिए अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। इसमें तकरीबन हमने एक कप के करीब जो है एक कप ऑयल डाला है, उसके साथ एक बड़े साइज़ का प्याज डाला है हमने। अब इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, इसको पकाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आँच हमने बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, फ्लेम ज़्यादा होगा तो हमारे प्याज जो हैं जल जाएंगे सारे। देखें प्याज हमारे ब्राउन हो गए। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा भुनेंगे हम। अब इसमें जो स्पाइसेस हमने लिए थे वो स्पाइसेस ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब साथ इसमें हमने बिरयानी मसाला ऐड कर दिया है, इसको मिक्स करेंगे। अब इसके बाद हम इसमें यखनी डाल देंगे, साथ चिकन और वो यखनी है, दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे। ये देखें हम पानी डाला था हमने, जो यखनी डाली थी वो बॉयल आना इसमें शुरू हो गया। जब बॉयल आना शुरू होगा तो फिर इसके अंदर हम चावल जो है उनका पानी है स्ट्रेन करके वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से हमने सारे पानी चावल जो हैं इसमें डाल देने हैं। अब इसको 5 से 6 मिनट के लिए तकरीबन हम इसको पकाएंगे, जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। ये देखिए इसका पानी खुश्क हो गया। अब इसके अंदर हम चने की दाल और ये सब्ज़ मिर्चें, एक साबत है, एक तो हमने काट के डाली हुई हैं वो डालेंगे, साथ ही इमली डालेंगे हम इसमें, और इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है इसको। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक लग रही है राइस की, बहुत प्यारा सा कलर आ रहा है इसका, ना बहुत ज़्यादा डार्क है ना बिल्कुल ही लाइट कलर है। ये देखें अब अच्छे से दाल इसके अंदर मिक्स हो गई है सारी चीज़ें। अब हम इसको दम पे लगाने लगे हैं। दम जो है हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे लगाना है। इसके ऊपर फूड कलर ऐड करेंगे, उससे जो है राइस की लुक अच्छी आ जाएगी। और एक कपड़े के साथ हम इसको दम लगा देंगे 5 मिनट के लिए। ये देखिए दम इसका आ चुका हुआ है, लग गया इसको, कितने ज़बरदस्त से तैयार हो गए। देखें इसकी लुक, जी राइस हमारे तैयार हैं। अब हम इसको सर्व करते हैं, डिश आउट करते हैं। ये देखिए बिल्कुल इतना ज़बरदस्त सा पुलाव बना है। चावल बिल्कुल अलग अलग है और उनका कलर और उनकी लुक भी बहुत ज़बरदस्त आई है। ये जी हमारा जो है पुलाव तैयार है, चिकन और दाल चना वाला। इसको सर्व करें सैलड के साथ, रायते, और साथ हमने मिंट सॉस बनाई है, और साथ हमने इसके पिकल रखा है। इसको खाएं, मज़े के साथ इंजॉय करें। बहुत सिंपल और आसान सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको ये कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।